में डॉक्टर विजयन चंडेल हु इज सन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और जे एंड के में नहीं पूरे भारत में एक बड़े मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। उनसे जब मुलाकात हुई तो रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी जन्मभूमि को भी कुछ दीजिए, तो ही वेरी काइंडली एग्रीड, आज आए हैं, कैंप कर रहे हैं। मेरे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हम दोनों ने ये आभा कार्ड बनाया। मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि ये पूरे डोडा का हर व्यक्ति बनाए इसको। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। इस कार्ड से आपका पूरा हेल्थ प्रोफाइलिंग डिजिटाइज हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा और हेल्थ सोसाइटी के द्वारा आज के दिन फ्री मेडिकल कैंप जो है वो रखाया गया। आपको बता दूं, सबसे पहले कम्युनिटी हॉल डोडा में इसे डिसाइड किया गया था, लेकिन बारिश के चलते मौसम ख़राब की वजह से इसे ओपीडी जीएमसी डोडा के अंदर करवाना पड़ा। इस समय हमारे साथ जम्मू से आए हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजयन सिंह चंदेल, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, डोडा से ही हैं। और आपको ये भी बताते चलें, गैस्ट्रोलॉजी जो हैं वो डॉक्टर हैं ये, और आज के दिन चेकअप जो है वो ओपीडी डोडा के अंदर जो है वो करवा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार आज के दिन कितने पेशेंट जो है इनके पास आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बारिश के कारण आप जिस तरह से जान रहे थे कि NH 244 जो है वो ब्लॉक हो गई थी, रोड वहाँ पर बंद हो गई थी, उस वजह से थोड़ा लेट जो है वो ये हो गए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने कोशिश की कि ये जल्द से जल्द डोडा के अंदर पहुँचे और जो पेशेंट इनकी राह देख रहे थे उनका जो है ये चेकअप कर पाएँ। सर, इसलिए मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल में और जानने के प्रयास करूँगा जिस तरह से आप आज आए तो क्या कुछ जो है आपको नया देखने को मिला और किस तरह से आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मिलकर आज के दिन ये कैंप जो है करवा रहे हैं। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, और फिर CMO साहब का और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब का, जिनकी वजह से ये कैंप ऑर्गेनाइज हो पाया। थोड़ा मुश्किलात रही, आने में हमें दिक्कत रही मॉर्निंग में, क्योंकि बैड वेदर की वजह से थोड़ा हम डिले हुए, बट हमने ऑर्गेनाइज़ किया टाइम पे, हमने ऑलमोस्ट शुरू कर दिया। अभी तक हमने अराउंड 65 पेशेंट्स को एग्ज़ामिन कर लिया है, और डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट कंप्लेंट थी। किसी को मैदे की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम थी, किसी को फैटी लीवर है, किसी को हेपेटाइटिस बी का पेशेंट अभी एक आया था हमारे पास। तो हमने सारे पेशेंट्स को कैटर किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट दिया है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पेशेंट यहाँ पे आए, आपने उनको देखा, तो किस तरह की यहाँ पे खान पीन की जो है वो ज़रूरत है लोगों को, और ख़ास करके हर कोई जो है वो जम्मू नहीं आ सकता या बाहर नहीं जा सकता, तो उनके लिए क्या राय जो है वो रहेगी? जी देखिए, सबसे ज़रूरी है, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी डाइट ठीक रखें। मैं जनरल पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना जो भी खान पान है उसका बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखें, आप ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और हमारा जो इलाका है ये तो वैसे ही एक गॉड गिफ्ट एरिया है, जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कम होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ फ्रूट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक और गॉड गिफ्ट है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, अपना वेट कंट्रोल कीजिए और अपना डाइट स्ट्रीमलाइन कीजिए, उसके लिए काफ़ी सारी बीमारियाँ उसके प्रिवेंशन से ही ठीक हो जाएंगी। और जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर है या गैस की प्रॉब्लम है, वो होगी नहीं अगर प्रॉपर अपनी डाइट रखें, एक्सरसाइज रखें और बॉडी वेट कंट्रोल रखें। सर, आप सन ऑफ द सॉइल हैं, यहीं से जो है वो अपना ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके बावजूद कभी आपको ऐसा मन किया कि जो है मैं अपने समय, जो अपना टाइम है, वो यहाँ के लोगों के लिए स्पेंड करूँ, यहाँ के लोगों के लिए जो है वो सर्व करूँ? जी, हमने किया है, पहले भी हम करते रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज कैंप करते रहे हैं, बट इतनी लार्ज स्केल पे कम ही किया है। आज हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन डोडा DC साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, अदरवाइज हम अपने लेवल पे ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं डोडा में। तो अभी क्या आप फिर से जो है वो डोडा आना चाहेंगे या किन इलाकों में आप डोडा के जाना चाहते हैं? जी, हम आगे इन फ्यूचर भी इसको कंटिन्यू करेंगे और हम रेगुलरली पेशेंट्स को ट्रीट करते रहेंगे, और आगे हम और फैसिलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटी कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। देखिए, ये आज मल्टी एक्टिविटीज़ हो रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर विजयन चंडेल हु इज सन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट
और J&K में नहीं पूरे भारत में एक बड़े मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी जन्मभूमि को भी कुछ दीजिए, तो ही वेरी काइंडली एग्रीड, आज आए हैं, कैंप कर रहे हैं, पेशेंट्स फार एंड वाइड, मुझे जो बताया गया अभी तक 70 से 80 पेशेंट आ चुके हैं, और ये अच्छी बात है कि आपके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज में नहीं था, तो जिन लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिलेगा वो तो है ही है, प्लस कुछ लोगों को जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसका भी बेनिफिट होगा। दूसरा, आपने देखा मैंने मेरे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हम दोनों ने ये आभा कार्ड बनाया, मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि ये पूरे डोडा के हर व्यक्ति बनाए इसको, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। इस कार्ड से आपका पूरा हेल्थ प्रोफाइलिंग डिजिटाइज हो जाएगा, और आज से अगर 5 साल पहले की कोई प्रिस्क्रिप्शन है, कोई बीमारी है, तो वो भी रिकॉर्ड में रहेगी, विच विल मेक योर ट्रीटमेंट इजियर। तीसरा, हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कैंप लगाया हुआ है, मैं मुबारक देना चाहता हूँ मेडिकल कॉलेज को भी, CMO को भी, इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलती रहे। आज जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ प्रोफाइलिंग करा रहे हैं, अभी तक एक गूगल फॉर्म हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था आशा वर्कर्स के थ्रू, ऑनलाइन स्कूल्स के थ्रू, पंचायत के थ्रू, 1,45,000 लोगों का हेल्थ प्रोफाइल हम कलेक्ट कर पाए हैं। हमारी कोशिश है पूरी जनता की हेल्थ प्रोफाइल कलेक्ट करने की, और मैं उम्मीद करूंगा कि उसके ऊपर बेस करके हम अपनी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ पॉलिसीज़ को डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये हर चीज़ हर लेवल पे लेने के लिए वक्त लगता है, आज डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है, कल पंचायत तक ज़रूर पहुँचेंगे, मदद आप लोगों की चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की जो अच्छी बातें हैं उसको उजागर करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आने वाला टाइम टूरिज़्म का सीज़न है, सड़कें हमारी इतनी बर्फबारी के बावजूद भी खुल रही हैं, बंद की बात करते हैं आप, मुझे खुशी होती है कि मुझे पता लगता है, लेकिन आप लोग जो सड़कें खोल रहे हैं हमारे लोग, वो कितनी मेहनत से काम करें। मेरा बिजली वाला 5 फुट में चल के चिली पिंगल पहुँच रहा है या मनो पहुँच रहा है, उसका भी अगर आप जिक्र करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो वेरी मच।